सत्य सनातन धर्म की जय। कल 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होने वाले नववर्ष, नवरात्रे एवं रामनवमी की जो कथा श्री गीता भवन में प्रारंभ हो रही है, मेरे साथ उपस्थित हैं श्रीमान अमरीश कुमार जी और श्रीमान संजीव शर्मा जी। आप सनातन धर्म सभा के प्रवक्ता के रूप में आज की बातचीत आपके सामने रखेंगे। कि मुझसे पूर्व प्रधान जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है उसके बारे में बताया, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो इस जो कार्यक्रम इस बार श्री सनातन धर्म सभा में होने जा रहे हैं उसके बारे में हम जितने भी हमारे सनातनी भाई कुंज के अंदर रहते हैं उनसे निवेदन करेंगे और ये अपील करेंगे कि वो जितने भी कार्यक्रम सनातन धर्म सभा आयोजित करने जा रही है इस नवरात्रों के दौरान, उन सब में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा सनातन का नववर्ष होता है वो इस चैत्र शुक्ल पक्ष में शुरू होता है और जो कल शुरू होने जा रहा है, सबसे पहले तो हम सनातन धर्म सभा की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जितने भी कार्यक्रम इस दौरान होंगे सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और साथ साथ इस बार सनातन धर्म सभा ने एक और जो है एक इनिशिएटिव लिया है कि लगे कि हमारा जो नववर्ष कल से शुरू हो रहा है और हमने काफ़ी सारे इस पूरे नगर के अंदर जो है वो झंडे वितरित किए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जिस जिस सनातनी के घर में वो झंडा पहुंचा है वो कल अपने घर के छत के ऊपर वो झंडा जो सनातनी झंडा वो लहराए, अगर जिसके घर में नहीं भी पहुंचा है वो अपने लेवल के ऊपर खुद झंडा जो है वो खुद बनाए या बाजार से खरीदे। कल लगना चाहिए कि हमारा एक पर्व जो है वो शुरू होने जा रहा है क्योंकि नवरात्रों का पर्व जो है नवरात्रे साल में दो बार आते हैं और ये वाले नवरात्रे जो हैं हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं कि क्योंकि सनातन का जो है वो नववर्ष इसी दिन शुरू होता है। तो मैं पुनः एक मुझसे पहले प्रधान जी ने और संजीव जी ने आपको संक्षेप में बता दिया कि हमारा आज यहाँ पर एकत्र होने का क्या कारण है। तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रकट उत्सव दिवस अवतरित दिवस श्री रामनवमी की समस्त धर्मरागी सज्जनों को लाख लाख बधाई देता हूँ। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी के बालकांड में एक चौपाई के माध्यम से बताया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अवतार जो है वो नौमी तिथि को हुआ था, उन्होंने लिखा है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न गामा पावन काल रूप विश्रामा, जो कि 30 मार्च को जो है वो शुभ दिन जो है वो आ रहा है और उसके लिए सनातन धर्म सभा ने कल 22 मार्च बुधवार से श्री राम कथा जी का आयोजन जो है शाम के ठीक 4 से 6:30 बजे तक रहेगा, जिसके लिए कथावाचिका जो हैं वो चित्रकूट से उमा शक्ति नाम की एक सुश्री हैं वो जो यहाँ पर अपने शुभ चरण रखने वाली हैं। हमारी सभी से विनती है कि रोज़ ये जो 8 दिन जो हैं इस कथा में भाग लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ही काना श्रवण रिंदर आहि भवन समाना, कि जिसने अपने कानों से हरि की कथा नहीं सुनी उस इंसान के कानों के चिदर जो हैं वो सांप की बिल के समान हैं। तो इसलिए और 30 तारीख को ठीक शाम 2:30 बजे हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और शाम के ठीक 4:30 बजे एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन परंपरा के अनुसार रहेगा और जो जो भी मंदिर के प्रधान अपनी झांकियाँ यहाँ पर लाते हैं उनसे भी हमारी विनती है कि वो समय पर पहुँचें और भगवान जी के इन सारे कार्यक्रमों में भाग लें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। एक बार फिर से समस्त पूंछवासियों का ये जो कल से नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रे जो हैं प्रारंभ हो रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और सभी से एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले करके इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएं तथा पुण्य और यश के भागी बने। बोल सत्य सनातन।